हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर मैं अपने चैनल पर एक और नए परफ्यूम का रिव्यू लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि परफ्यूम का नाम है एसेंशियली ऊद और ये बिर्रा कंपनी का परफ्यूम है। गाइस, इससे पहले कि मैं परफ्यूम की बात है उसके बॉटल की बात करूँ, मतलब आपको उसकी बॉटल दिखाऊँ, उससे पहले मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक यूएई बेस कंपनी है। ये देखिए, ये इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि मेड इन यूएई। ये एक यूएई बेस्ड कंपनी है जिसका जो शोरूम है वो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर अवेलेबल है, और बोल सकते हैं कि ये एक दुबई इंडिया बेस्ड कंपनी है। और इनके जो आई थिंक ऑफिसेज हैं या इनके जो शोरूम्स बोलो वो हैं, वो महाराष्ट्र के अंदर और भी जगह पे अवेलेबल है, बट मुझे एक्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ पे अवेलेबल है और जगह, बट मुंबई के लिए मैं श्योर हूँ कि मुंबई के अंदर वो डेफिनेटली अवेलेबल है, क्योंकि मैंने ये जो परफ्यूम है ये मुंबई से ही मंगवाया। और अगर मैं इनके ब्रांड की बात करूँ तो बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पुराना ब्रांड भी नहीं है अगर मैं जैसे अजमल की बात करूँ या आपसे रसासे की बात करूँ, बट हाँ काफ़ी अच्छा ब्रांड है और थोड़ा नॉन ब्रांड भी है। आई थिंक अगर आप महाराष्ट्र साइड में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि बिर्रा जो है वो क्या ब्रांड है और क्या क्वालिटी देता है। इनके परफ्यूम्स, इनके अत्र बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, मैंने इनके कुछ अत्र भी ट्राई किए हैं। परफ्यूम ये फर्स्ट ट्राई किया है एसेंशियली ऊद, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था इसके बारे में, तो इसलिए मैंने इसका एक सैंपल मंगवाने की सोची, और बहुत ही एक अच्छा परफ्यूम है। तो आइए मैं आपको इसकी बोतल दिखाता हूँ और कुछ परफ्यूम के बारे में भी बात करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये इसकी बोतल है, ये एक ग्लास बोतल है और काफ़ी काफ़ी थिक ग्लास है। इसके जो अंदर का ये लिक्विड है ये थोड़ा सा येलोइश, थोड़ा सा गोल्डन आप बोल सकते हो है, बट ओवरऑल ट्रांसपेरेंट है। और ये 50 ml की बोतल के अंदर आता है, बट ये लोग ऐसे देगा कि जैसे ये 100 ml का हो, टू बी ऑनेस्ट, और काफ़ी एक लग्जरी यू नो बोतल है। आपको हाथ में पकड़ के लगेगा, या आप अपने कलेक्शंस में भी अगर इसको रखोगे तो लगेगा कि हाँ कोई ये एक काफ़ी हाई एंड क्वालिटी का परफ्यूम जो है वो आपने यू नो रखा हुआ है। और जिस प्राइस रेंज में आता है उसमें तो बिरला वालों ने कमाल ही की है, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि बहुत ही एक अच्छी फ्रेगनेंस दी है जो कि इजीली आपको किसी भी एक नीश परफ्यूम में देखने को मिल जाएगी। और नीश से मेरा मतलब है कि एग्जांपल लाइक 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 20,000 तक के परफ्यूम में इजीली देखने को मिल जाएगी। वो सेम फ्रेगनेंस बिरला वालों ने आपको सिर्फ और सिर्फ ये आई थिंक 1,250, 1,250 के आसपास का या 1,300 के आसपास का ही आता है, उतने में आपको मिल जाएगी। मुझे एक्चुअली ये 1,000 कुछ का पड़ा था, क्योंकि उस टाइम पर कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा था जब मैंने ये खरीदा, तो मुझे आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 1,070 का आई थिंक जो है वो पड़ा था विद शिपिंग चार्जेस। और मैं अगर इसके यू नो ओपनर की बात करूँ तो काफ़ी सॉलिड ओपनर है। इसको अगर ओपन करके मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हार्ड है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसके एटमाइजर की बात करें अगर, तो आप ये देख सकते हैं, वाह काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है। फर्स्ट नोट तो इसका जो है वो रोज़ का आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई ऐसा बेकार रोज़ नहीं, काफ़ी एक अच्छी और हाई क्वालिटी का रोज़ जैसे आपने लगाया हो। और एक्चुअली क्या है कि जब ये परफ्यूम आया था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स यहाँ मेरे साथ बैठे हुए थे, तो मैंने उनके सामने ही इसको ओपन किया और हल्का सा सिर्फ स्प्रे, जितना भी मैंने वीडियो में दिखाया इतना ही स्प्रे किया था, और वो कह रहे यार ये क्या क्वालिटी है और ये क्या चीज़ है। तो मैंने उनको बताया कि भाई ये बहुत एक अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मैं इसके इत्र जो है वो इस्तेमाल कर चुका हूँ पहले, तो मुझे पता है जो इसके इत्र इतने अच्छे हैं तो परफ्यूम तो ऑब्वियसली उनसे अच्छा ही होगा। और
सेकंड से इसके अगर नोट की बात करूँ तो मतलब अगर ड्राई डाउन में जब ये जाता है तो आपको ऊद का एक मोस्ट प्रोमिनेंट नोट जो है वो देखने को मिलता है। और ऊद ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा यू नो कि आपको हेडेक करे या आपका दिल कच्चा हो जाए, मन कच्चा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक अच्छी क्वालिटी का ऊद इसमें यूज़ हुआ हुआ है, बहुत एक परफेक्टली ब्लेंड किया हुआ है इसमें डिफरेंट डिफरेंट यू नो ऊद्स को, या मैं ये बोलूँगा जो भी इसमें फ्लावर्स यूज़ किए हुए हैं उसको, मोस्टली तो रोज़ ही है। और जब ये बिल्कुल यू नो अपने थर्ड स्टेज पे पहुंचता है यू नो ड्राई डाउन के बाद और थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको थोड़ा सा पचोली भी यू नो मिलेगी इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे नहीं लगी कि वो बहुत ज़्यादा है, मुझे रोज़ ही लगा, एंड में भी रोज़ ही लगा। और लॉन्ग लास्टिंग की बात करूँ, ईजिली लाइक 10 to 12 hours ऑन योर क्लोथ्स कहीं नहीं गया, बहुत ही एक यू नो अच्छी लास्टिंग दे के जाता है। और प्रोजेक्शन भी आपको ये 6-7 hours की दे जाता है, यानी कि 7वें घंटे में भी आपको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट करके चला जाएगा। हेड टर्नर है इजीली, अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो मस्ट है, किसी डेट में जा रहे हो तो मस्ट है। और मैं ये बोलूँगा कि इसके 3 से 4 स्प्रे करें, क्योंकि एक दो स्प्रे वाला नहीं है ये, इसको थोड़ा सा स्प्रे आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, बट वर्थ है वो आपका चल भी काफ़ी टाइम जाएगा ना, तो मस्ट बाय अकॉर्डिंग टू मी। बिरला की वेबसाइट पे जाइएगा, मैं थोड़ा लिंक में भी इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वैसे आप ये बॉक्स पे भी यू नो ये देख सकते हैं, ये www.birrafragrances.com विजिट कीजिए, इन्हें ऑर्डर कीजिए यहाँ से, और भी काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं इनके पास, और इत्र्स भी अच्छे हैं काफ़ी, आप देखिए इनकी कलेक्शन और इस्तेमाल कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी गाइस तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है आपको चैनल को, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर किसी और वीडियो अगर किसी और परफ्यूम पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उस पर बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गाइस, और आसपास सफाई बनाए रखिएगा, और महकते रहिए। बाय, थैंक यू।